नमस्कार दोस्तों, ये हम जान चुके हैं कि डायलिसिस का सबसे बेहतर तरीका एवी फिस्टुला ही है, बट कुछ पेशेंट्स को ये कंप्लेन होती है कि एवी फिस्टुला नहीं चल रहा है या वो ब्लॉक हो गया है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हम उस एवी फिस्टुला को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, क्या उसकी एंजियोप्लास्टी वीनोप्लास्टी संभव है। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एवी फिस्टुला एक आर्टरी और एक वेन को जोड़ के बनाया जाता है, और जब ये वेन मैच्योर हो जाती है तो उसमें दो नीडल लगाई जाती हैं, एक आर्टरियल नीडल होती है और एक वीनस नीडल होती है। इन दोनों नीडल्स को कनेक्ट किया जाता है मशीन से, जिससे कि डायलिसिस होती है। तो चलिए एक केस देखते हैं जिसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से रिपेयर किया गया। आप देख रहे हैं कि ड्रेनिंग वेन में बहुत सिकुड़न है और फ्लो नहीं जा रहा है, और इस सिकुड़न से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से एक बहुत ही पतले तार को भेजा गया है। इस पतले तार के ऊपर एक बैलून को चढ़ा के उसकी एंजियोप्लास्टी की गई है। एंजियोप्लास्टी के बाद ये नस फूल गई है। इसके बाद पेशेंट को शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पेशेंट ने नेक्स्ट डे से अपना रेगुलर डायलिसिस को ज्वाइन कर लिया है। तो हमने जाना इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से मरीज को सुबह भर्ती करके शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोई चीरा टाका भी नहीं लगाया गया। मरीज इस चीज से जल्दी रिकवर हो सकता है और जल्दी ही अपना रूटीन लाइफ को ज्वाइन कर सकता है।